कल मेरा पास एक फोन कॉल आया और मेरे को बोल रहे थे, भैया कंग्रेचुलेशन, आपको 25 लाख रुपए का लॉटरी लग गया। मैं बोला मैं तो कोई टिकट काटा नहीं, लॉटरी का कोई टिकट खरीदा नहीं, तो मेरे को कैसे क्या 25 लाख रुपए का लॉटरी लग गया। तो मेरे को ऐसा बोलकर समझा रहे थे जो आप जो भी कंपनी का सिम यूज करते अलग अलग कंपनी का सिम लेके एक लॉटरी होते ड्रा होते, जिसमें एक लाखी कस्टमर को 25 लाख रुपया दिया जाते और आप वो लाखी कस्टमर है। मैं बोला बहुत अच्छा बात है भाई, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा 25 लाख रुपया लेने के लिए? तो बोला आपको एक टोकन नंबर देते अरे आपको कॉल को ट्रांसफर कर देते, तो उसके पास एक टोकन नंबर दे देना और आपको 25 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं बोला अच्छा बात है, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर कर दिया और टोकन नंबर मेरे को बोल दिया। तो टोकन नंबर लेने के बाद फ्रेंड वो दोस्त जो आदमी था उसके पास वो टोकन नंबर दिया, तो वो बोल रहे थे भैया आपको बैंक डिटेल्स पूरा कर दीजिए, तो आपको जो 25 लाख रुपया है वो आपको बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं बोला भाई मेरे पास तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, तो मैं कैसे आपको बैंक अकाउंट दे दूं? तो वो बोलने के बाद वो जो फोन था फ्रेंड वो फोन काट दिया और ऑफ जो फोन आया था फ्रेंड वो को एक नंबर था जो अननोन नंबर था, उसके ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहे थे ओके ओ के ओके लिखा हुआ आ रहे थे। तो सबसे बड़ा बात फ्रेंड यही था, मैं जब फोन काट दिया तो मेरा कॉल लिस्ट में कोई भी नंबर नहीं था, कोई भी जैसे ओके नाम पे जो फोन आया था वो भी नहीं था। आखिर क्या था वो नंबर और वो सचमुच मेरे को 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा था? फ्रेंड नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ऐसा लगते भी नहीं। अभी का टाइम फ्रेंड आपको आपका मोबाइल को आपको पूरा हैक करके जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी जितना भी ऊपर जा रहे है हैकिंग सिस्टम भी उतना जल्दी बढ़ रहा है। सच बात तो यही है फ्रेंड, आपका मोबाइल तो स्मार्ट बन गया लेकिन आप लोग स्मार्ट नहीं बन रहे। बहुत सारे तरीका है जो वजह से आपको हैक किया जा सकता है, आपका बैंक डिटेल्स लिया जा सकता है, आपका बैंक में जितना भी पैसा है वो भी लिया जा सकता है, आपका जो पर्सनल डाटा है वो भी चुराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा ये वीडियो में, जो आपको आपका बैंक अकाउंट, आपका फोन, आपका कोई भी डिटेल्स कोई ना हैक कर पाए और आपका जो डाटा है, आपका जो बैंक डिटेल्स, आपका जो पैसा है वो पूरा के पूरा सुरक्षित रहे। तो आप अगर जानना चाहते कैसे ये जो खतरा है मोबाइल खतरा से आप अगर बचना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपको छूट जाए तो आपको पूरा जानकारी नहीं मिलेगा। तो आप अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपका कोई भी खतरा मोबाइल का जा रहा है कोई भी खतरा आने का संभावना नहीं रहेगा, आप 100% सुरक्षित रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल, मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, को भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। मैं सिर्फ पांच ही तरीका बताऊंगा आपको, जो पांच तरीके से ज्यादातर आदमी उसका सब कुछ खो बैठते हैं, जैसे उसका डाटा, उसका बैंक अकाउंट, उसका पैसा पूरा के पूरा खो देते हैं, वो पांच तरीका ही बताऊंगा। और अगर पूरा डिटेल्स बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो सिर्फ पास ही बताते हैं जो पास आप जनरली जो पास तरीके से आपको हैक किया जाते हैं। नंबर वन फ्रेंड, अभी का टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं प्ले स्टोर में, गेट ऐप में, फिर आपको नाइन एप्स में, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर में आपको हजारों लाखों एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड ये जो हजारों लाखों एप्लीकेशन है ये 100% सुरक्षित है, ये ऐप से आपको कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। ऐप बनाना अभी कोई भी बना सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो में बताया था कैसे आप भी ऐप बना सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन जो आदमी हैक करना चाहते कोई किसी का भी मोबाइल, किसी का भी डाटा, किसी का भी बैंक अकाउंट अगर हैक करना चाहते तो वो आसानी से कर सकते हैं ऐप के द्वारा। जैसे आप अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते तो उसमें बार बार आपको अलाउ मांगते, जैसे आपको कैमरे का, आपका गैलरी का, आपका फोन में जितना भी डाटा है उसका भी अलाउ मांग लेते। जो जैसे आप कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर लिया आपका फोन में, उस ऐप में कोई भी डिटेल्स लेने का, आपका फोन में कोई भी डिटेल्स लेने का जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपको कैमरा का, आपका गैलरी का, आपका जितना भी डाटा है उसका भी अलाउ मांग लेते, उसका भी आप जब अलाउ कर देते फ्रेंड तब पूरा के पूरा डाटा आपका जितना भी डाटा है वो पूरा के पूरा वो हैकर के पास चला जाते। और सबसे बड़ा बात है फ्रेंड, आप जब कैमरा का अलाउ कर देते तो आप इधर में बैठा है वो कहाँ पे बैठ के, वो अमेरिका में बैठ के भी आपका फोन का कैमरा, आपका फोन का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते, आपका कैमरा भी हैक कर से आपका फोटो ले सकते, आपका घर में जितना भी कुछ भी है तो
आपका मोबाइल से वो उधर बैठ के, मान लीजिए कोई भी देश में बैठ के आपका इधर आपका फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, फोटो खींच सकते, कुछ भी कर सकते आपका फोन का इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड मैं पहले जो बात बताया था, फोन तो स्मार्ट है लेकिन आप लोग स्मार्ट नहीं बन रहे। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं आपका फोन में तो पहले चेक करें वो ट्रस्टेड है क्या नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते जो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का टाइम पे जो भी अलाउ मांग रहा है, जैसे कैमरा का अलाउ मांग रहा है कैमरा ओपन करने का, सबसे मुद्दा का बात यही है फ्रेंड, जो भी अलाउ का ऑप्शन आएगा पहले तो उस जो डिटेल्स वो आप पहले पढ़ लीजिए, जे कौन सा सिस के बारे में अलाउ मांग रहा है, जो कैमरे का अलाउ मांग रहा है मत दीजिए, अलाउ मत किए डिनाई कर देना। फिर आपको मान लीजिए कोई भी गैलरी का अलाउ मांग रहे हैं, मतलब आपका जो फोटो है वो पूरा के पूरा उधर में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड सबसे अभी का टाइम पे सबसे जो खतरा का बात है वो आपका पर्सनल डाटा, अगर आपका पर्सनल डाटा किसी के हाथ भी लग जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं आपका डाटा चुरा के। अब बोल सकते फ्रेंड अजय मैं तो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ तो मेरा डाटा चुरा के वो क्या करेगा। फ्रेंड ऐसा खतरा पैदा करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अभी का टाइम पे फ्रेंड बैंक अकाउंट तो सबके पास होता है, अगर आपका जो डाटा का अलावा आप दे देगा आपका मोबाइल में जितने भी डाटा है, जैसे आपका मोबाइल बैंक का एटीएम का पिन कोड क्या है वो भी वो सुन सकते हैं। और फ्रेंड बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर आप अगर अभी का टाइम पे ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करते जैसे गूगल पे, फिर फोन पे, फिर पेटीएम। फ्रेंड ये जो एप्लीकेशन है ट्रस्टेड है क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को अच्छा करके पता है, लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेशन है उसमें किस कोई भी एप्लीकेशन में आपको हैक कर सकते हैं, आपका जो डाटा है वो चुरा सकते हैं। और अभी का टाइम फ्रेंड और भी एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको, जैसे अभी हम लोग जितना भी एप्लीकेशन आपका फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादातर एप्लीकेशन फ्रेंड चाइना का होता है, आप जानते हैं चाइना लोग कुछ भी कर सकते। और फ्रेंड नंबर दो जो है कोई भी लिंक को क्लिक करना, जैसे अभी का टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो हर किसी के पास होता है, तो क्या है मान लीजिए आपका व्हाट्सएप में कोई भी लिंक भेज दिया है और आप उसमें आसानी से क्लिक कर लेते। क्लिक करने के बाद फ्रेंड कोई कोई लिंक ऐसा होता है जो पहले आपको अलाउ करना पड़ता है, लिंक क्लिक किया तो ऐसे बताएगा आप वीडियो अगर देखना चाहते तो अलाउ कीजिए, लेकिन आप पहले पढ़ लेना कौन सा सिस के अलाउ मांग रहा है। कोई भी लिंक ऐसा अगर आपके पास आ गया तो उसका जो लिंक है अलाउ अगर मांगेगा तो अलाउ नहीं करना, ज्यादातर तो आदमी लिंक आने के साथ साथ जब अलाउ मांगते तो ऑटोमेटिकली अलाउ कर देते और आपका फोन का सारे के सारे डाटा उसके पास चला जाता। नंबर थ्री फ्रेंड, नंबर थ्री यही है जो अभी का टाइम पे हर कोई आदमी ऑनलाइन से पैसा इनकम करना चाहता, गूगल में जाकर सर्च कर देते हैं कैसे मैं ऑनलाइन से इनकम कर सकता हूँ तो ऐसे लाखों वेबसाइट्स आपका सामने आ जाते हैं। तो कोई कोई वेबसाइट फ्रेंड ऐसा है जो आपको दिखाते हैं लॉगिन करने का साथ साथ आपका जितना ऐसे $50 भी दिया जाते है, कोई $5 दिया, कोई $10 दे दिया और वो डॉलर क्या करना पड़ता फ्रेंड आपको आपका बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता। तो डायरेक्ट आप अगर देखेगा जो $10 आपको दे दिया, लगभग $10 में आपको ₹700 होता है, तो ₹700 आप लॉग इन करने का साथ साथ आपको दिया जाते हैं। तो क्या करते वो बैंक वो जो वेबसाइट आपको बोलते हैं आपका जो बैंक डिटेल्स दे दीजिए और ये जो $10 आप तुरंत आपका बैंक अकाउंट में ले सकते, तो आप तो खुशी खुशी में वो जो आपको बैंक डिटेल्स उसमें साइन अप कर देते और क्या होते वो पैसा तो आते नहीं है, आपका बैंक में जितना पैसा है वो काट देते। तो सावधानी से फ्रेंड अगर वो जो वेबसाइट है अगर ट्रस्टेड नहीं है तो बिल्कुल आपका जो बैंक डिटेल्स उसमें साइन अप नहीं करना। और चौथा जो है फ्रेंड वो है फोन कॉल, अभी का टाइम पे आप देख सकते हैं फोन कॉल बहुत ज्यादा आते रहते हैं आपका सामने, आपको भी ऐसा कोई आदमी मिल जाएगा जिसके पास आ गया, जैसे मैं पहले जो बोला जो आपको लॉटरी लग गया है आपका ₹1,00,000। फ्रेंड पैसा इतना आसानी से तो नहीं कमाया जाते। और दूसरा बात है ₹25,00,000 में जो पहले ही बताया था जब आपको मेरे को लॉटरी लग गए ऐसे फोन कॉल आपको भी आ सकते हैं। तो सावधानी बरकर रखें, आपका जो बैंक डिटेल्स से कोई भी मोबाइल से फोन आए कोई भी बैंक से, आप मान लीजिए आपके स्टेट बैंक के खाता है, फिर बॉय बैंक में, फिर एक्सिस बैंक में, कोई भी बैंक में खाता है यार, अगर कोई भी करेक्शन करने के लिए अगर मोबाइल से फोन आए तो आपका बैंक डिटेल्स में उसको मत दीजिए। और नंबर पांच में जो बता रहे थे फ्रेंड
आप अगर उल्टा सीधा कुछ भी यूज करना चाहते हैं आपका फोन में, जैसे हर कोई ऐप, हर कोई सिस्टम, हर कोई वेबसाइट अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं आप, ऐसा कोई भी चीज अगर आपका फोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके बारे में आपका अच्छा खासा जानकारी नहीं है, जैसे लाखों सारे गेम है, आपको बहुत एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका जो फोन है, आपका जो फोन का नंबर है, वो नंबर पे आपका बैंक डिटेल्स मत रखिए। जैसे आपका जो फोन का जो नंबर है, सिम नंबर है, वो सिम नंबर कोई भी बैंक अकाउंट में मत दीजिए, ऐसे कोई भी नॉर्मल फोन यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड मैं यही बोलना चाह रहे थे, जो बैंक में जो नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, बैंक में जो ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है, वो आप कोई भी काम पे इस्तेमाल मत कीजिए, कोई भी एप्लीकेशन में, कोई भी वेबसाइट में, कोई भी नेट का काम में आप इस्तेमाल मत कीजिए, तो आप सबसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह पाओगे। और दूसरा बात फ्रेंड वही बताया मैं, अगर आपका फोन में आपका कोई इम्पोर्टेंट चीज है तो वो फोन में कोई भी एप्लीकेशन जिसमें खतरा है वो इंस्टॉल मत कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन अलाउ करने का पहले वो अच्छा करके पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है और कौन सा चीज में, कौन सा चीज का अलाउ मांग रहा है। तो ऐसे अगर आपको खतरा लगा तो अलाउ मत कीजिए, तो आप सुरक्षित रह पाओगे। तो फ्रेंड उम्मीद रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आपको फ्रेंड एंड रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।